असलम एवरी कैसे के हिसाब से आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज का जो व्लॉग है वो मैं रात से शुरू कर रही थी तो यहाँ पर बन रहे थे बर्गर्स और बंद कबाब जो होते हैं वो बन रहे थे तो इसके लिए एग में फ्राई कर रही थी और ये सिंपल एग है जो सैंडविच में डलता है और यहाँ पर मैं कबाब फ्राई कर रही थी क्योंकि कबाब बने हुए रखे हुए थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बने तो फिर हम लोगों ने सोचा बर्गर्स बना लेते हैं क्योंकि बर्गर सबको ही पसंद होते हैं बंद कबाब तो यहाँ पर मैं बन को टोस्ट कर रही थी और बंद कबाब वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं तो यहाँ पर बन को टोस्ट कर रही थी तो फिर मैंने बोला आप लोग को दिखा दूँ तो उसके अंदर मैंने एग लगाया है और कबाब लगाए हैं और एक कौंसलो बनाई थी मैंने वो लगाई है और मायोनीज और कैचअप है तो बहुत मज़ेदार से हमारे बंद कबाब रेडी हो चुके हैं और ये इतने मजे के थे टेस्टी बहुत बने थे ये और यहाँ पर मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ और ये इतने मज़े के थे आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आप लोग के पास कोई कबाब पड़ा हुआ हो रखा हुआ हो आपके फ्रिज में तो आप लोग ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा कौंसलो में मैंने सिंपल बंद गोभी डाली थी और मायोनस और कैचअप और ब्लैक पेपर और सॉल्ट और चिली सॉस होता है ना वो डाला था तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और ये ब्रेकफास्ट का क्लिप है यहाँ पर मैं थोड़ा लेट उठी थी, थी और खाने का टाइम भी होने वाला था तो लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूरी होता है तो इसके लिए मैंने बिस्किट ले लिया था और यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी है ये बहुत कम है और मुझे थोड़ी सी पीनी थी इतनी नहीं पीनी थी तो मैंने बस थोड़ी सी ले ली है और इंजॉय कर रही थी मैं अपना ब्रेकफास्ट आप लोग किस तरीके से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं जब देर में उठती हूँ तो मैं ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करती कम ही करती हूँ क्योंकि फिर खाना भी खाना होता है और ये आप लोग को मैं वेदर दिखा रही हूँ जस्ट चेक करें इतना प्यारा वेदर हो रहा था उस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ये वेदर आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा वेदर हो रहा था क्लाउड्स देखें इतने प्यारे लग रहे हैं सुबह अल्लाह मुझे तो बहुत प्यारा लगा और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है आप लोग के एरिया में कैसा ठंडा मौसम हो रहा है या गर्म हो रहा है हमारे यहाँ तो बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है और ये देखें आप लोग क्लाउड कितना अच्छा लग रहा है और देखकर ही सुकून मिल रहा है कि कितना अच्छा है और यहाँ पर मैं इन्जॉय कर रही थी शाम के टाइम पर तो मैंने बोला आप लोग कुछ दिखा दूँ और कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा और आजकल आप लोग के क्या चल रहा है गैस आ रही है या नहीं हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं आती है तो ये है शाम का टाइम और शाम में मैं जमजम बेकरी गई थी और वहाँ से मैं ये टिक्का समोसा और पेटीज ले आई थी ये बहुत मज़े के हैं टिक्का समोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसके अंदर टिक्के की बोटी डली होती है और बहुत ही मज़े के इनकी पेटीस भी बहुत वाकिफ में मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है इनकी बहुत अच्छी हैं सब चीज़ें इनकी सेवरी आइटम्स बहुत अच्छे हैं बेस्ट हैं इनके सेवरी आइटम्स तो यहाँ पर नमक पारे और जलेबी भी ले आए थे तो वो भी इंजॉय कर रही थी और मज़ेदार सा शाम में जब कुछ ठंडा थंड़ ठंडा थंड़ मौसम हो रहा हो तो कुछ ज़रूर दिल चाहता है कि आप लोग इंजॉय करें और खाएं तो यहाँ पर तो मैं ये मज़ेदार से इंजॉय कर रही थी और एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से तोड़ना इतना मुश्किल होता है मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे हाथ में से उसकी पापड़ी जो होती है वो आई तो ये है रात का वक्त और रात में बने थे बिरयानी बनाई थी बहुत मज़े की इसकी रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये बहुत मज़े की बनी थी अच्छा जी तो मैं मैं मैंने इस बार वैसे मैं सेला राइस यूज़ करती हूँ लेकिन इस बार मैंने बासमती राइस जो होते हैं वो यूज़ किया और बहुत ही मज़े की बनी थी तो सिंपल सी है ये और मैं मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है मैं थोड़ा अलग करके बनाती हूँ तो आप लोग बताएगा कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी और मेरा ब्लॉग तो लाइक like करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आता होगा लाइक like करने की कोशिश करें थैंक यू फॉर हाफिज़